नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। भितरवार क्षेत्र से 18 अप्रैल से अब तक कुल 103 लोगों को बस द्वारा ग्वालियर सैंपलिंग के लिए भेजा जा चुका है। 103 लोगों में से 40 की रिपोर्ट आई नेगेटिव, 63 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी। कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। जिले के बाहर से आने वाले लोगों की स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा स्क्रीनिंग कराई जा रही है और जो लोग संदिग्ध दिखाई देते हैं उन्हें तुरंत सैंपलिंग के लिए बस द्वारा ग्वालियर भेज दिया जाता है और जो लोग संदिग्ध नहीं पाए जाते उन्हें 28 दिन के लिए होम क्वारंटाइन स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा किया जाता है। वहीं भितरवार क्षेत्र के विभिन्न गांवों में 103 लोगों को ग्वालियर सैंपलिंग के लिए भेजा गया था, जिनके सैंपल लेने के बाद ग्वालियर क्वारंटाइन किया गया है, जिनमें से 40 लोगों की रिपोर्ट मंगलवार शाम को नेगेटिव आई है, जिन्हें बस द्वारा वापस भितरवार छोड़ दिया गया है और उन्हें SDM द्वारा निर्देशित करा गया है। 28 दिन तक आप सभी अपने घरों में रहें, अगर बाहर दिखाई दिए तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। भितरवार से संवाददाता कमल साहू की रिपोर्ट। सेपरेट वो बाथरूम अपना जो है वो मास्क वगैरह लगा के और बाहर तो निकल ही नहीं है, ठीक है। ये है दूरी बना के लोगों से रहना और बस अच्छी रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, समझिए ना। और मान लो तुम पॉजिटिव हो गए, किसी को और से मिल लिए तो सब पॉजिटिव हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है, ठीक है। ये भर के दस्तक करा के हम और ये सभी का तो लेकिन अपने थाना क्षेत्र के देना जी। हाँ नहीं, अपने के दे रहे हैं, सब क्या सिर्फ हाँ केवल अपने जो अपने थाना क्षेत्र के होंगे। अर्सी वर्सी के तो इधर साहब को बताना बहुत है, चरका वर्गा के तो निकल गए। कितने लोग जो टेस्ट हो गया है वो कितने लोग हैं सर? अभी लगातार हम भेज रहे हैं पिछले 5 दिन से, 100 से ऊपर लगभग 105 हमारे पेशेंट अब तक जा चुके हैं। और अभी आज अभी जो लौटे हैं वो 19 तारीख के पेशेंट थे, जिनको 19 को हमने भेजा था, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव कल आ चुकी थी, तो आज इनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। ठीक है, मतलब करीब जो है 14 लोग हैं, 14-15 लोग आए हैं अभी बस से, और उनको होम क्वारंटाइन के नाम पर वहाँ से डिस्चार्ज किया गया है। यहाँ से हमने उनको समझाइश दे दी है और लिखित में भी एक आदेश उनको जारी कर दिया है, होम क्वारंटाइन का वो पालन करेंगे, घर के अंदर रहेंगे। यदि कहीं वो बाहर देखे गए तो ये उल्लंघन माना जाएगा आपदा प्रबंधन अधिनियम का, और उसके अंतर्गत उनको दंडनीय कार्रवाई के वो भागीदार हो जाएंगे। सर 28 दिन के रहेंगे सर? 28 दिन का क्वारंटाइन, 28 दिन का ही है नई गाइडलाइन के हिसाब से। जी जी, यानी 28 दिन तक उनका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए जी, क्योंकि तो लक्षण जो है बिल्कुल एक एक महीने के अंदर तक आ रहे हैं। अभी जो फिलहाल जो गाइडलाइन है वो 28 दिन की है जी। ठीक है सर, ओके।